subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक, नमस्कार दोस्तों। YouTube के MU क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल AMU क्लास में लेकर रेल यानी ट्रेन का दूसरा भाग। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने पहला भाग ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। दो चार बिंदु के कॉन्सेप्ट थे रेलगाड़ी से संबंधित, जिसको मैंने बताया है, क्योंकि जब तक उसको आप जानेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि आज का सवाल जो मैं देने जा रहा हूँ वो किस टाइप का है। दोस्तों कल मैंने जो है कुछ एग्जांपल जो है बताए थे और एग्जाम के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताए थे, और आज मैं उसके आगे बढ़ूंगा और इस दूसरे भाग में दोस्तों एक से एक बेहतरीन सवालों का एग्जाम्पल मैं दूंगा और उसका सोल्यूशन भी करता रहूंगा, जिसमें समय, चाल, रेलगाड़ी की लंबाई, हर चीज से संबंधित जो है आपको सवाल देना। करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी आएगा और मैं यहाँ पीडीएफ में पढ़कर सोल्यूशन भी करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आपके स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। देखिएगा, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और सोल्यूशन भी उसका करता रहूंगा। देखिएगा, स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है दोस्तों, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। आगे कह रहा है, तो बताइए रेल लाइन के बगल में खड़े खंभे को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। कह रहा कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ध्यान से समझिएगा, सोल्यूशन इसका करते हैं हम। दूरी, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई उस व्यक्ति के दूरी के बराबर मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, तो 240 मीटर है उसकी दूरी, ठीक है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको दूरी ही कहेंगे, क्योंकि व्यक्ति की जो खंभा है बगल में, कह रहा है कि सवाल में, तो बताइए रेलवे लाइन के बगल में लगे खंभे यानी रेलवे लाइन के किनारे जो खंभा है उससे होकर गुजर रही है ना। तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंभे से गुजरेगी तो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, 240 मीटर, और उसकी चाल कितनी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल लिया मैंने आपके लिए। उसकी चाल कितनी है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति हावर्स, यही है ना। तो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है खंभे को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, टाइम पूछा है हमसे। तो देखिएगा, हमको समय जानना है तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तभी तो हम समय बता पाएंगे। तो 72 है और मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर को बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से भाग देते हैं। मैंने आपको बता रखा था 18 × 72 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5/20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी इसकी चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको क्या जानना है, रेलगाड़ी का समय कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को जो है उस खंभे को पार करने में। कहने का मतलब ये एक खंभा यहाँ खड़ा है इस तरह से, और रेलगाड़ी को उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये पूछा इसने। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, 240, लिख लीजिए 240 ऊपर, और चाल कितना अभी भी निकाला है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20, 0 से 0 को क्रॉस करिए, 2 × 9 = 2 और 2 × 2 = 4, 12 सेकंड, ठीक है। 12 सेकंड में वो रेलगाड़ी जो है दोस्तों खंभे को पार कर जाएगी, क्योंकि सवाल में हमसे पूछा ही है कि वो रेलगाड़ी कितने समय में खंभे को पार कर जाएगी, यानी ये जो खंभा है रेलगाड़ी उसको 12 सेकंड में जो है क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा कैसा लग रहा है सवाल, अभी पहला सवाल था, अभी आगे बढ़िए और मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल चलते हैं। दोस्तों आज चल रहा है ट्रेन यानी रेलगाड़ी का भाग दूसरा, इसके पहले मैंने पहला भाग दिया है। उस पहले भाग में सवाल तो एक दो ही थे या तीन थे लगभग, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें था, उस कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप उस भाग को देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको आगे का सवाल समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें टाइम एंड वर्क का होना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा, चाल, दूरी, समय। आइए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आएगा, देखिएगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पीडीएफ रखा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो देखिएगा, सवाल आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर, सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के बगल में खड़े हुए खंभे को पार
करने में 12 सेकंड का समय लगाती है। ठीक है, कह रहा कि एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किनारे पे खड़े एक खंभे को 12 सेकंड में क्या करती है, पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, देखिएगा सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके पहले मैंने सवाल में समय पूछा था, अब जो है समय भी बता दिया है कि 12 सेकंड क्रॉस कर जा रही है और रेलगाड़ी की लंबाई बता दिया 108 मीटर है, लेकिन कह रहा है कि तब उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। ठीक है, यानी इस रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, और समय कितना लगाइए पार करने में, सब लिख लीजिए जो चीज देखा है, समय कितना लगाइए दोस्तों, समय हमारा इस रेलगाड़ी में लगाया है 12 सेकंड, यानी पार करने में उस खंभे को कितना लगाया है, 12 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी ही को रेलगाड़ी जो दूरी क्रॉस कर रही है खंभे का, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, यानी हमको रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी हमको जानी है। तो ठीक है, तो सबसे पहले समय लिख लिया, अब हमको ये किलोमीटर, इस किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये देखिएगा हमको जो है रेलगाड़ी की लंबाई जानी है दूरी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 108 गुणे किलोमीटर में से मीटर प्रति सेकंड बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18 × 18 = 90, 18 × 6 = 108 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 × 5 = 30 मीटर प्रति सेकंड हुआ ये, क्योंकि किलोमीटर से ये कन्वर्ट होके मीटर में आया, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, उसकी दूरी, दूरी पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय यानी टाइम। तो चाल कितनी है दोस्तों, उसकी चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना लगा रही है, 12 सेकंड। ठीक है, तो 12 सुनाई हम सुनना और 12 × 36 360 ये जो है मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति, यहां बता दे रहे हैं, जब कोई व्यक्ति जो है या कोई खंभा को रेलगाड़ी जब ऐसे क्रॉस करती है तो जितनी रेलगाड़ी की दूरी होती है उस खंभे उस वस्तु की दूरी के बराबर रेलगाड़ी की दूरी होती है, तो वस्तु की दूरी जितनी है उतनी ही रेलगाड़ी की दूरी, तो 360 मीटर लंबी वो रेलगाड़ी हो जाएगी, यानी उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 मीटर। ठीक है, समझ में आया, तो देखिएगा ये शुरू में ही थियोरी मैंने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नहीं अगर वो कर पाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, और मैंने उसको प्रूफ भी किया था कि कैसे आता है 5/18, तो जो मैंने बताया था उसका ठीक उल्टा चलेंगे तो उसका मीटर प्रति सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो सवाल, कुछ लोग जो पढ़े होंगे जो तैयारी में जुटे होंगे तो कुछ आइडिया उनको होगा भी, लेकिन जो अभी पहली बार जो है फील्ड में कूदे होंगे उनको जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखिएगा स्क्रीन बोर्ड का आपके अगला सवाल आ रहा है, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सामने आपके सवाल है, कह रहा है 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में लगे हुए एक खंभे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, कह रहा है कि 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बगल में खड़े हुए खंभे को रेलवे लाइन के पार करने में कितना लगती है, पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है, ध्यान समझिएगा, अब हमको क्या बताना है, अब हमको बताना है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, याद है ना, दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी 450 मीटर। ठीक है, और समय पूछ रहा है कितने समय में पार कर रही है, वो 18 सेकंड में पार कर रही है, ध्यान से समझिएगा, इस बार जो हमसे पूछा है वो रेलगाड़ी की चाल पूछा है और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, ध्यान से समझिएगा, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो आपको चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, फार्मूला होता है, या बिल्कुल अच्छे से जान रहे होंगे, मैंने बोट और स्ट्रीम में भी ये बातें बताई हैं और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, हमसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो दूरी है 450, ठीक है, और आपका समय कितना है 18 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये देखिएगा
दून ती तीन तीन छके 18, तीन एक नम तीन, तीन पचे तीन एक नम तीन और तीन पचे 15, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, थोड़ा इसको बढ़िया से रुखी करते हैं, मिसिंग हो रहा है कुछ। कितना है ये आपका है 450 और ये है आपका 18, ठीक है, यही है। तो ये आपका हो जाएगा 18 × 18 = 36, डायरेक्ट काटिए 18 × 36, 36 और 4 40 और 40 और 5 45, 90 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से समझिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और उसकी दूरी क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से समझिएगा हमारे सवाल में दोस्तों क्या कहा है, हमारे सवाल में कहा है आखिरी लाइन देखिएगा, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है, हमसे रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में दोस्तों पूछा है, तो रेलगाड़ी की चाल हमको किलोमीटर में बतानी है, ठीक है। तो चाल को जब हम किलोमीटर में निकालेंगे तो आपको पता है कि ये मीटर प्रति सेकंड है, और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर में निकालते हैं तो 25 × 18 / 5 करते हैं, ठीक है। मीटर से देखिएगा, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट होने के लिए ये बात कह रहा है, देखिएगा फिर से मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैं बस दिखाने के लिए खींचा था इसको। तो 5 × 25 होता है, ठीक है दोस्तों, और जब इसका भाग देंगे तो 18 × 5 = 90, ठीक है। 8 × 5 = 40 का 0, हाथ में लगा 4, 5 × 9 = 5, 4 = 9, 18 × 5 = 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी उस रेलगाड़ी की जो चाल है, जो जिसकी दूरी 450 थी और जो 18 सेकंड में चल रही थी कि खंभे को पार करने में, उसकी चाल जो है, उसकी स्पीड जो है कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर सचमुच मजा आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से जो है मैं क्वेश्चन को पेश करूं, और भी ट्रिक जो होगा उसमें ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको खुद पे खुद मिलने लगेगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए फटाफट जुड़ जाइए और लीजिए मैथ का मजा। आपको ये चैनल देता है सिर्फ और सिर्फ मैथ से संबंधित कंपटीशन के, जितने भी कंपटीशन में मैथ आते हैं उसका, और उसका प्रैक्टिस सेट भी मैं जो है जल्द ही देने वाला हूँ। जो भी कंपटीशन होते हैं उससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। मैराथन अभी चलता है थियरी के बाद, उसके बाद फिर आगे की बात की जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारे क्या आ रहा है। तो आप भी देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भी आएगा विद पीडीएफ, और मैं भी उस पीडीएफ को जो है अपने पास पढ़ पढ़ के और उसका सलूशन जो है समझाते हुए दोस्तों कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा स्क्रीन बोर्ड का जो है अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। रेलगाड़ी की लंबाई 270 है, स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे कह रहा, देखिएगा, यह रेलगाड़ी 430 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार कर लेगी, यानी ये रेलगाड़ी जो है स्पीड से जिस जा रही है उसके सामने जो है एक पुल पड़ रहा है, उस पुल को क्रॉस करके जा रही है, तो उस पुल को पूछ रहा है कि कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा, 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो देखिएगा रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, 270 मीटर, ठीक है, और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की भी लंबाई दे रखा है आपके सवाल में, पुल की भी लंबाई दे रखा है, कितने मीटर लंबाई पुल को पार कर रहा है, कह रहा है कि 430 मीटर लंबे पुल को, तो 430 मीटर पुल की भी लंबाई है। और देखिएगा रेलगाड़ी का जो स्पीड है, यानी उसकी जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब हमसे क्या पूछा है, तीन बातें थी, तीनों लिख लिया। अब हमसे पूछा है तो कितने समय में पार कर लेगी, समय पूछा है कि कितने समय में उस पुल को क्रॉस कर जाएगी वो रेलगाड़ी। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने जब आपको थियरी पढ़ाया था तो उस थियरी में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब कोई रेलगाड़ी अपने से समांतर, पुल जो है उसके समांतर ही तो होता है, तो जब एक रेलगाड़ी
कोई अपने से समांतर पुल को, प्लेटफार्म को या सुरंग को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई और उस पुल, उस प्लेटफार्म या उस सुरंग की लंबाई के योग के बराबर होती है। तो दोस्तों समझिएगा, जब रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई अपने के योग के बराबर होती है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा और दोनों जुड़ के हो जाएगा 270 और 430, 4, 2, 6, 7, 3, 10, 700 मीटर। समझ में आ गया? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, मैंने बताया था। आप अगर थियोरी नहीं पढ़े होंगे और चैनल पे नए हैं अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, कि प्लेलिस्ट में जाके पहले मेरा ये पहला भाग पढ़िए, थियोरी पढ़िए, उसमें मैंने ये बात कही है, तभी मैं इसे यहाँ पे क्लियरली उसको बोल रहा हूँ। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उस सुरंग, उस जो है क्या बोलते हैं, प्लेटफार्म की लंबाई, उसके योग के बराबर होती है। यानी रेलगाड़ी की दूरी जो है लंबाई है और उस पुल की जो लंबाई, वो दोनों का योग के बराबर, ठीक है। तो 700 मीटर हो गया और चाल हो गया 90 किलोमीटर। हमसे पूछा है समय, और समय जो है मीटर प्रति सेकंड में आता है, तो जाहिर सी बात है इस किलोमीटर को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो चाल को हम बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर से मीटर में आएगा तो 5/18, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 18/5 90 होता है और 5/5 25 होता है दोस्तों, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड बदल के, रेलगाड़ी की जो चाल है 90 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदल के हो गई। अब इसी मीटर प्रति सेकंड से हम अपना समय का जो है निकाल लेंगे। तो हमसे रेलगाड़ी का पार करने में उस पुल के समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी आपकी है 700 टोटल और चाल है आपका 25, ठीक है। काटिए, ये 5/5 25, 5 51 5, 5 4 20, 140 हो गया, और ये आपका काटेंगे तो 5 2 10 और 5 9 8 40, ठीक है, 28 सेकंड में, कितने सेकंड में, 28 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस पुल को क्रॉस कर जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कितना समय लगेगा पार करने में, तो कितना समय लगेगा, 28 सेकंड लगेगा दोस्तों उस रेलगाड़ी को उस पुल को क्रॉस करने में, सिर्फ 28 सेकंड, ठीक है। तो यहां जो खेल है मैथमेटिक्स का दोस्तों, वहां यहां जो खेल है मैथमेटिक्स का, वो समय, दूरी और चाल का है सिर्फ। अगर उसमें थोड़ा भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा भी माइनर, तो यकीन मानिए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा, और वहां हमको जो है थियरी नहीं लिखनी है, वहां हमको चार विकल्प होता है उसमें से टिक लगाना है, और विकल्प पे आजकल कंपटीशन में ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उससे मिलते जुलते एग्जामिनर को भी पता है कि आप थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करेंगे, गलती करेंगे, भूल जाएंगे, तो आपका आंसर ये आएगा, उस विकल्प को भी उसमें डाल के रखता है, और जब आपका वो आंसर आता है तो आप एकदम कन्फर्म हो जाते हैं कि हमारा यही सवाल सही है, क्योंकि इस विकल्प में दिख रहा है, और आप लगा के चले आते हैं, और बाद में पता चलता है कि ओहो मुझे तो यहाँ से ये चीज करनी चाहिए थी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा पछतावा ना हो, इसके लिए आप इन सब चीजों को जो है माइनरी एकदम ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, और देखते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल क्या है दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं बताते चलिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और चैनल पे नए हैं तो जोड़िए, और आप भी जुड़िए और दोस्तों को भी जुड़िए, ताकि जो है सवाल का वो भी मजा ले सके। चलिए स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल देखिए, मुझका अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल। सवाल कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई बताइए। स्क्रीन बोर्ड पे सवाल भी आपके आ रहा है, देखिएगा। इसके पहले मैंने जो है कुछ और पूछा था, इसके पहले हमने जो है समय पूछा था, अब हम पुल की लंबाई जानना चाहते हैं, इसलिए मैं सवाल को जो है चेंज करता जा रहा हूं। देखिएगा उसमें माइनर पॉइंट बस चेंज हो रहा है, अगर आप सचमुच वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीन बोर्ड पे सवाल है आपके कि कह रहा है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो हमारी लंबाई है उसको हम लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की हमारी जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर, ठीक है दोस्तों, 180 मीटर, और उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति हावर्स, यही है स्क्रीन पर भी आपके। तो कह रहा है चाल से चलते हुए एक पुल को पार करने में, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हो रेलगाड़ी, और समझ लीजिए कि वहां एक पुल है, वहां से वो क्रॉस कर गई, वो क्रॉस कर रही है 22 सेकंड में, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
उसका समय क्या लग रहा है 22 सेकंड में क्रॉस करती है, तो कह रहा है तब उस वो जो पुल है वो उस पुल की लंबाई क्या है, यानी समय भी हमारा दे रखा है, समय हमारा कितना है 22 सेकंड में पार कर रही है उसको, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पुल की लंबाई हमसे पूछा है, किसकी लंबाई पूछा है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई। अब हम मान लेते हैं कि पुल की लंबाई हमारी x है, क्योंकि हमको पुल की लंबाई पता ही नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल बताया था कि जब भी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने उसमें, और उसके बाद सवाल बताया था आपको कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, किसी पुल को या किसी सुरंग को अगर पार कर रही है, तो वो अपनी लंबाई के बराबर और उसके लंबाई का दोनों योग हो जाता है, यानी अपने लंबाई के बराबर ही वो लंबाई है, यानी जितनी लंबाई इस रेलगाड़ी की उतनी उसकी लंबाई सुरंग की, उन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी सुरंग की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, या आप कह लीजिए पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो पुल की लंबाई तो हम एक्स माने हैं और रेलगाड़ी की लंबाई हमारा दे रखा है, तो कुल जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 180 प्लस एक्स मीटर होगा ना। ध्यान से समझिएगा, रेलगाड़ी और पुल की लंबाई हो गई 180 प्लस एक्स मीटर। ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ ये दोनों पॉइंट, समय दे रखा है, चाल हमको जो है पता नहीं, पता है समय भी पता है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय होता है दोस्तों। और ध्यान से रख लीजिएगा कि हमको चाल जो है 72 किलोमीटर दिया है, इसमें 72 किलोमीटर हमारा चाल दिया है, तो इस चाल को पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि ये सेकंड में हमारा समय, तो इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं यही बदल रहा हूँ, तो 72 हो जाएगा, और 72 गुणे किलोमीटर से बदल रहा है तो क्या हो जाएगा 5/18, 18 × 72 हो जाएगा, 5×20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड तो किलोमीटर से मीटर होता है, और इसी की मीटर प्रति सेकंड को सेकंड से गुणा कर दीजिए, यानी ये भी समय है और ये भी समय है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 × 44 440 मीटर प्रति सेकंड होगा, यही होगा 440 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 440 मीटर। अब देखिएगा, तो हमने क्या कहा है, पुल का माना है x और ये दोनों की लंबाई। अब देखिएगा, पुल और उस रेलगाड़ी और पुल की लंबाई यहाँ है, मतलब 180 प्लस x ही है, और बराबर कितना आया है भाई, रेलगाड़ी की दूरी कुल दूरी है ये दोनों, और समय बराबर कितना आया है 440 मीटर प्रति सेकंड कह लीजिए, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, तो 440 है, जब उसको उधर उठा कर ले जाएंगे तो 440 माइनस 180 हो जाएगा, और 180 जब इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये 8×6 = 14 होता है, 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि एक गया तो 2 बचा, 260 मीटर, यानी पुल की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 260 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 260 मीटर पुल की लंबाई होगी। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा, और एक बार मैं फिर से आपको यही बात दोहरा रहा हूँ कि समझ में तभी आएगा जब उसका आप थियोरी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए थियोरी पे मेरे पहले भाग में इसके, तब यहाँ आइए और देखिए, नहीं समझ में आता है तब कहिएगा आप मुझे, बिल्कुल समझ में आएगा और मजा भी आएगा। चलिए स्क्रीन बोर्ड के अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का हमारा अगला सवाल दोस्तों क्या आ रहा है। तो यकीन मानिए, जुड़ के देखिए, मैथ ना सिखा दिया तो कहिएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों, क्योंकि जो है आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ईमानदारी से मैं बताता हूँ दोस्तों कि मेहनत जो किया रहेगा उसका आपको खुद पे खुद दिखाई देगा कि वो कॉन्सेप्ट जो है जानता और करता है और बताता भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल देखते हैं क्या आ रहा है, देखिएगा आपके सामने आ रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दोस्तों, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिएगा इस बार लंबाई नहीं है, अब चाल पूछ रहा है और प्लेटफार्म आ गया है सवाल में, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसको, सवाल को चेंज करता जा रहा हूं, कि इसी हर टाइप का पूछेगा ना, इससे हर टाइप के सवाल मैं आपके लिए उठा के रखा हूं। तो क्या कह रहा है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो देखिएगा रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों 220 मीटर, और उस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है,
प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। ये तो दे रखा है आपके स्क्रीन पे भी है, वो सवाल देखते रहिए ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, तो कह रहा है आगे रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो समय क्या लगा रही है ये पार करने में, 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकंड का समय लगा रही है, 16 सेकंड का। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे हम और आप कहीं ना कहीं सफर करते रहते रेलगाड़ी में, तो आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी जब क्रॉस करती है कहीं, कि जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से लखनऊ ही जा रहे हैं, तो लखनऊ जाते हुए रास्ते में लखनऊ से पहले जब लखनऊ स्टेशन पर क्रॉस करती है जब कोई रेलगाड़ी फास्ट अपना वहां से, तो उस प्लेटफार्म के बगल से ही तो क्रॉस करती है, यानी समांतर होता है, आमने सामने होता है प्लेटफार्म, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म आमने सामने होता है। तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई प्लेटफार्म की भी उतनी ही लंबाई, तो दोनों का योग हुआ ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, इन दोनों की लंबाई का जोड़ हो जाएगा 320 मीटर। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा समय दे रखा है 16 सेकंड, हमारा समय दे रखा है 16 सेकंड, लेकिन हमको जो है इसमें पूछा है हमसे क्या, कि हमको चाल जो है बताना है, तो चाल किलोमीटर में हमको बताना पड़ेगा ना, तो समय दे रखा है और हमारी दूरी भी पता है, लंबाई को ही दूरी कहते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है, उसकी चाल पूछिए ना कितने किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी है 320 और समय है 16, 16 × 32 20 किलोमीटर प्रति हावर्स के स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को क्या करेगी, पार कर लेगी 100 मीटर, यानी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ही पूछा है ना, 100 मीटर। देखिएगा थोड़ा देखिए मिस हो रहा है दोस्तों, यहां देखिएगा भाई 20, देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय हुआ, ये मीटर प्रति सेकंड में होगा ना, देखिएगा मीटर और सेकंड दो ही तो है, 320 मीटर है और 16 सेकंड है, तो मीटर और सेकंड मिला के ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आया है ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने कहा है आपको कि आप भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बहुत जरूरी है, एक मीटर में था और दूसरा सेकंड में था, तो मीटर और सेकंड मिलके मीटर प्रति सेकंड होते हैं, और हमको चाल किलोमीटर में जाननी है, तो बस इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 20 और ये गुणे हो जाएगा कितना, 18/5, 5 × 20 18 × 36 18 × 54 18 × 72 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी उस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी वो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको पार करके पुल को, रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को, सॉरी पुल को नहीं प्लेटफार्म को पार करके जो है रेलगाड़ी आगे बढ़ जाएगी ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया कि नहीं कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिए, और बढ़िया अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल हमारे स्क्रीन मोड क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए और लेते हैं स्क्रीन मोड का अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है ठीक है, यह रेलगाड़ी उसी दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। ध्यान समझिएगा सवाल को, कह रहा है कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो लंबाई जो है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 280 मीटर ठीक है, और उसकी चाल है दोस्तों 155 किलोमीटर प्रति आवर्स ठीक है। और देखिएगा आगे कह रहा है एक व्यक्ति है जो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रहा है जिधर रेलगाड़ी जा रही है उसी, तो व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है, व्यक्ति की जो चाल है 11 किलोमीटर प्रति आवर्स। ध्यान से समझिएगा सवाल को, स्क्रीन बोर्ड पे भी है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और जिधर रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भी जो है भागे हुए जा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दिशा सेम है, एक ही तरफ दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो पूछा है तो रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को कितने समय में, यानी व्यक्ति जो ये खड़ा है उस रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, यानी हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है हमसे,
ठीक है दोस्तों, तो समझ गए सवाल को आप। तो अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। चूंकि रेलगाड़ी भी उधर ही है और व्यक्ति की चाल भी उधर ही है, मतलब जो है इन दोनों की जो चाल है सापेक्ष चाल है। समझ में आ रहा है आपको? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल उनकी क्या है? एक ही दिशा में है। और जब रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल हो, या रेलगाड़ी हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, उन दोनों की सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में हो जाएगी, तो उसकी जो चाल होगी किलोमीटर की, उसमें जो है अंतर हो जाएगा। यानी x माइनस वाई मैंने आपको बताया था, तो 155 माइनस 11 हो जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 155 है दोस्तों, देखिएगा 155 ही है। तो ये हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति आवर। सापेक्ष चाल किसकी? इस व्यक्ति की और इस रेलगाड़ी की जो सापेक्ष चाल होगी, 155 में से 11 घटाएंगे, 144 किलोमीटर है। अब ध्यान से समझिएगा, हमको चाल जो है दोनों अंतर पता चल गया, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी पता है, अब ये किलोमीटर में है, हमको समय जानना है। तो समय मीटर प्रति सेकंड में होता है, तो इस किलोमीटर को पहले हम किस में बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो 144 × 5/18 कर देंगे, 2 × 9 = 18 होता है, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 9 × 8 = 72 और 8 × 5 = 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये बदल के मीटर प्रति सेकंड में हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे पूछा है समय, क्या समय पूछा है? कि वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करके चली जाएगी। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी है 280 और चाल है आपका कितना? 40। ठीक है, इससे ये कट जाएगा आपका 4 × 4 = 28, ठीक है, 7 सेकंड में। कितने में? 7 सेकंड में दोस्तों उस व्यक्ति को वो रेलगाड़ी क्रॉस करके चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारा क्या है। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपको कभी भी रेलगाड़ी शब्द से ही डर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। इससे जो भी सवाल आएंगे उससे डरेंगे ही नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरी इस थियोरी को और इस कॉन्सेप्ट को समझ के जा रहे हैं वीडियो से, तो वादा करता हूँ कि आपको अफसोस नहीं होगा कि मैं AMU क्लास से जुड़ा था। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा, आप रेलगाड़ी शब्द सुनते ही आपको खुशी आ जाएगी, अरे इसका क्वेश्चन है, इसको तो मैं चुटकी में लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए हैं, इसलिए। तो चलिए स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल देखते हैं। देखते स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे, क्या सवाल आपके सामने आ रहा है? सवाल कह रहा है कि 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। यह रेलगाड़ी अपने ही ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिएगा, मैंने इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है 210 मीटर, ठीक है, और उसकी चाल कितनी है? उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों? रेलगाड़ी की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति आवर्स, और व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की चाल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये कह रहा है ना, देखिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा सवाल को स्क्रीन पे भी आपके समझ में दिख रहा होगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्पीड है 122 किलोमीटर, जिधर से वो जा रही है उसके दूसरे तरफ से व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि वो व्यक्ति, रेलगाड़ी इधर से जा रही है दोस्तों, व्यक्ति जो है वो इधर से आ रहा है, मतलब विपरीत दिशा में दोनों का चाल है। दोनों की जो चाल है किस दिशा में है? विपरीत दिशा में, ठीक है, दोनों की चाल विपरीत दिशा में है। यानी कि रेलगाड़ी की चाल ये है और व्यक्ति की चाल ये है। तो जब भी रेलगाड़ी एक तरफ से आ रही हो और व्यक्ति उसके दूसरे तरफ से आ रहा हो, यानी विपरीत डायरेक्शन हो दोनों का, तो दोनों की चाल को, या जो सापेक्ष चाल होता है, उसमें एड हो जाता है। मतलब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? उसकी सापेक्ष चाल दोनों की जो सो हो जाएगी,
वो हो जाएगी 120 प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आए तो दोनों की चाल को ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चाल को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, चाल को ऐड कर लिया किलोमीटर में। अब इसको कन्वर्ट करके हम करेंगे, क्योंकि हमको जो है उसकी जो है रेलगाड़ी कितने मिनट में उसको अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर जाएगी, समय पूछ रहा है हमसे, तो समय इसमें पूछ रहा है, तो इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो करेंगे 126 गुणे 5 बट्टे 18 करेंगे ना, समझ में आ गया। तो ये देखिएगा, दुनवा 18 होता है, दू छ 12, दू तिया 6, 9 सत 63 और 7 5 35 मीटर प्रति सेकंड होगा पहले तो ये, ठीक है, 5 सत 35 मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिएगा, चाल हमको जानना है किसकी, उस रेलगाड़ी की जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो चाल बराबर दूरी, दूरी देखिएगा कितना है, 210 है रेलगाड़ी की दूरी और चाल है 35, है ना, समझ में आ गया। तो देखिएगा, 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 5 दूना 10, क्योंकि 5 दूना 10 और 5 चौको 20 और 21 होता है और 7 6 42 होता है 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति हावर्स, 6 किलोमीटर कह रहे हैं, देखिएगा किलोमीटर नहीं सेकंड है, यानी 6 सेकंड में, यानी वो रेलगाड़ी जो है उस व्यक्ति को, ये व्यक्ति है और ये रेलगाड़ी स्पीड से आ रही है, उसको क्रॉस करने में सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड का समय लगेगी और वो जो है 6 सेकंड में जो है दोस्तों रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों कि नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब दूसरे को शेयर करेंगे तो उन्हें भी जो है ये जो है वीडियो मिलेगा और उन्हें भी जो है कम से कम हेल्प मिल जाएगा मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपको इसी समय एक और नया भाग लेके, भाग 3 के रूप में ट्रेन का, और उसमें एक से एक बेहतरीन सवाल और लाजवाब सवाल होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।